अखिलेश यादव अगर आ गए तो गुंडों की सरकार है तो भैंस खुल नहीं गई, बकरी खुल नहीं गई, कुछ हो रहा। अभी देखो यादव ने यहाँ कचियापुर में बलात्कार परसों किया है और कहते हैं सरकार आने देखेंगे, यही सब होता है, कौन करेगा ऐसा? गरीब, हर गरीब दुखी था इनसे। अखिलेश यादव ने यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अस्पताल था नाम बदल दिया, उसका राजकीय कर दिया, तो ये खुद दलित विरोधी है। उनने तो कुछ किया ही नहीं यहाँ, तब तो बिहार ही रहे हैं। बदला लेने के लिए आए, उखाड़ फेंकेंगे। गैस सिलेंडर मिला केवल हिंदू को, मिला मुसलमान को नहीं मिला। 2000 रुपए मिल रहे किसानों का, मुसलमान को नहीं मिल रहे हैं क्या? रोड बनी है कि मुसलमान नहीं जाएगा, हिंदू जाएगा। वहाँ पे हर गांव में लाइट पहुँची, मोदी ने कुछ किया ही नहीं है। का भरोसा अखिलेश पर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, वो तो एक ही जातवाद पे चले जाते हैं। डिम्पल भी हार गए, अखिलेश भी हारेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शहादत। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार चाचा? इस बार माहौल है सब चुप है। क्या है माहौल? माहौल तो सबसे चुप है, सब ज्यादातर सपा का है। अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में है? हाँ, तो सब सपा ही में है। सपा में है? हाँ। और यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं, क्या किया 10 साल में उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ। ना उनने तो कुछ किया ही नहीं यहाँ, तब तो बिहार ही रहे हैं, उनने तो कुछ किया ही नहीं यहाँ। लेकिन इससे पहले डिम्पल भाभी को कैसे हरा दिया? अरे वो तो धोखे मार रहे हैं। योगी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सपा ने यहाँ की इत्र में बदबू घोली है, खुशबू पैदा नहीं। अरे यहाँ खुद नहीं, सपा ने जो कुछ किया तो किया, इनने कुछ किया ही नहीं। हाँ, किसने नहीं किया? अखिलेश, इनने पाठक जी ने। पाठक जी ने? हाँ। तो मोदी ने कोई काम नहीं किया? मोदी तो वही गेहूँ बांट दे और क्या किया। हाँ, बस बाजरा बांट दे। तो गेहूँ ले रहे हैं? गेहूँ बाजरा तो इधर ही मिल रहा, हमारे मऊजा में 4 किलो नहीं मिल रहा। हाँ, 3 किलो मिल रहा। तो दो युवाओं की जोड़ी आई है, अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की। भरोसा है? हाँ, भरोसा है, भरोसा है। तो प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे फिर? आप जाने जाते हो, वे जाने आप। हाँ, वो तो वो जाने। तो आपकी यहाँ की सीट से संबंध है आपका? हम, हमारा खुद यहीं से। हाँ, तो अखिलेश भैया को जिताएंगे? हाँ, जी अखिलेश भैया को लाएंगे। जी बिल्कुल, अखिलेश भैया आएंगे और सरकार भी। क्या नाम है आपका? मनोज दोहरे। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है कन्नौज का? माहौल बढ़िया है। क्या है, अखिलेश भाई खुद आए हैं? तो क्या हुआ? हाँ। पाठक जी हैं? पाठक जी हैं? हाँ। तो कह रहा 10 साल में कुछ नहीं किया पाठक जी ने। कोई भी कुछ कह सकता है। कुछ कह सकता है, क्यों नहीं? तो ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सपा ने यहाँ की इत्र में बदबू घोली है आज तक, तो ऐसा हुआ है? हमने तो नहीं सुना। सपा ने इससे पहले क्या किया था यहाँ? सपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा ने क्या किया है? भाजपा ने जो किया सो किया, हम अपने भाजपा को बोलेंगे। तो ऐसा क्या काम किया है मोदी सरकार ने 10 साल में? सब काम किया, गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ। महिलाएं सुरक्षित हैं, चोरियां बंद हो गई, जो बदमाश थे खत्म हो बदमाश। और जो राहुल गांधी की और जो अखिलेश यादव की जो युवा जोड़ी आई है, तो अच्छी है जोड़ी। हाँ। हम उनको गलत थोड़ा बताते हैं। तो मोदी को टक्कर दे पाएगी? क्यों नहीं देंगे। हाँ। सब अपने अपने टक्कर में है। हम अपनी बात कहते हैं, वो अपनी बात कहते हैं। यहाँ की जनता क्या देख रही है, किसे बेहतर मानती है? हम अपनी तरफ से है ना। हाँ। जनता की तरफ दोनों, हम एक अपनी खुद जनता है। चिंता है? हम खुद जनता हैं। आप खुद जनता हैं? हाँ। आपका अखिलेश यादव पर भरोसा क्यों नहीं है? नहीं है भरोसा, हमें मोदी जी पर भरोसा है। मोदी पर भरोसा है जी? आपका भरोसा? अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव पर जी? मोदी पर क्यों नहीं? मोदी पे क्या क्या है, खाली भुखमंती पैदा की तो वो सब हो गया। अखिलेश तो जीतेगा। मोदी ने 10 साल में कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया 10 साल में मोदी ने? क्यों नहीं किया? बताइए ना, क्या राशन दे रहे? गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई, राशन दे रहे, गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म कर दीजिए तो अच्छी बात है, मगर मुख्यमंत्री जब जो गरीब लोगों को कुछ नहीं दिया है, खाली राशन दे के बिरमादिया के राशन दे रहे हैं, बांट रहे हैं, कुछ नहीं दिया है। सर क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। तो अखिलेश यादव डिंपल भाभी का, अपनी वाइफ का हार का बदला ले पाएंगे इस बार? नहीं ले पाएंगे। क्यों? सुब्रत पाठक अरे वो तो जोश खरोश के साथ में आए हैं, बदला लेने के लिए आए हैं। उखाड़ फेंकेंगे सुब्रत पाठक, उखाड़ फेंकेंगे। सांसद जी कुछ नहीं किया, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया? अरे मोदी के लिए किया, मोदी सबके लिए कर रहा है, ऐसा कोई नहीं, सब गरीब लिए कर रहा है मोदी। अनाज देने से क्या होता है? नहीं, अनाज दे रहा, सब कुछ दे रहा, शौचालय दिया, घर दिया, मकान, सब कुछ दिया, कहने दे रहा है, बताइए। हाँ। किसको नहीं मिला, हिंदू है, मुस्लिम है, सबको मिल रहा है। और अखिलेश यादव अगर आ गए तो? गुंडों की सरकार है, तो गुंडों की सरकार है। और क्या, वो कह रहे हैं युवाओं की जोड़ी को एक बार मौका दीजिए। कुछ नहीं है, सब गुंडों की सरकार है भैया। हाँ। सब बताइए,
योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि सपा ने यहाँ केवल इत्र में बदबू घोला है, कुछ नहीं और खोले सपा ने इत्र बदबू। यहाँ सब भैंस खुल नहीं गई, बकरी खुल नहीं गई, कुछ हो रहा। अभी देखो यादव ने यहाँ कचियापुर में बलात्कार परसों किया है, ऐसे देखिए। और कहते हैं सरकार आने देखेंगे, यही सब होता, कौन करेगा ऐसा? गरीब, हर गरीब दुखी था इनसे, यही तो, इसीलिए हर गरीब इनसे दुखी था सब लोग। अब कोई जनता दुखी नहीं है, जो कमाने खाना ना कमा रहा खा रहा अपने सभी। अखिलेश यादव अपनी पत्नी की हार का बदला लेने के लिए आए? बदला नहीं ले पाएंगे कुछ भी यहाँ पे, सुपर पार्टी निकलेंगे यहाँ तो जनता का भरोसा नहीं जीत पाएंगे, कुछ नहीं होगा उनका। 400 पार ही जाएंगे सीट अब की, 400 पार जाएंगे। हाँ, योगी मोदी पे भरोसा है? भरोसा, हर गरीब उनके साथ है। हाँ, गरीब उनके साथ है, गरीब उनके साथ है। लेकिन गरीब क्या कह रहा है, ये सवाल है। वो कह रहे गरीब के साथ में योगी मोदी की सरकार है। हाँ, वो तो सही बात है, सही बात है। और वही अखिलेश यादव कह रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर सरकार आ गई तो संविधान बदल देगी। नहीं तो अखिलेश यादव ने यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अस्पताल था उसको बदल कर नाम बदल दिया, उसका राजकीय कर दिया, तो ये खुद दलित विरोधी है। और क्या जी? नहीं भैया, हम कुछ नहीं, अरे हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे छोड़ो, अरविंद नाम है, अरविंद, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या माहौल है कन्नौज? कन्नौज का अखिलेश जीत रहे, और क्या, अखिलेश जीत रहे। इस बार अखिलेश डिंपल भाभी का बदला ले लेंगे? जी हाँ, वो तो बना बनाया खेल है। हार का क्या कन्नौज वासियों से पहले गलती हो गई थी डिंपल को हरा के? अब क्या बताएं, जनता खुद जवाब दे देगी, जनता खुद जवाब दे देगी इसका। दो बार से जनता जवाब नहीं दे पाई, अब दे रही ना, अब दे रही। डिंपल यादव को कैसे हरा दिया था? वो तो हार गई, हरा क्या दिया, वो तो हार गई, हार गई, हार गई। जी भैया, क्या नाम है आपका? अंसार खान। क्या माहौल लग रहा है? अखिलेश यादव खुद मैदान में है इस बार कन्नौज से। चांस है जीतेंगे, चांस है जीतेंगे। फिर तो डिंपल भाभी की हार का बदला लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लेंगे मेरे भाई, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी, सरपा ही बनेगी सरकार, वो अलग बात है, कौन भी सरकार बनाए, लेकिन बीजेपी नहीं, 200 पे सिमट जाएगी। लेकिन योगी कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव सपा आ गई तो यहाँ पर फिर से गुंडा राज हो जाएगा। नहीं तो कहने की बीजेपी वाले जो है ये करते रहते, बाकी कुछ नहीं, सा कुछ नहीं, सपा ने ही यहाँ पे विकास किया है, अखिलेश यादव ही जीतेंगे यहाँ से, कुछ नहीं होगा। उन्होंने यहाँ काम किया अखिलेश ने, पहली बार चुनाव लड़े अखिलेश को, कन्नौज को जो है कन्नौज बनाने वाले अखिलेश यादव है। हाँ, लेकिन योगी कह रहे हैं कि कन्नौज की इत्र में बदबू घोला है सपा ने। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम उन्होंने जो काम किए हैं वो आज भी हैं। इत्र पार्क बनाना है और जो दुनिया भर के काम उन्होंने किए हैं, उन्हीं ने बोला था रूस से ग्रासे सिटी बनाने को, कन्नौज को ग्रासे सिटी बनाने को कन्नौज को बोला था, उसको अधूरा काम छोड़ा इन लोगों ने। एक काम बताएं बीजेपी वाले, एक काम हमको बता दें बीजेपी वाले, मैं खुद डाल दूंगा वो। कोई काम ही नहीं 10 साल में, कुछ काम ही नहीं, कोई काम ही नहीं। मेहंदी घाट वाला ऐसे अभी बना तक नहीं है, 10 साल में कोई काम नहीं किया मोदी ने। भाई अब हम क्या बताओ, हम तो नए आए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भीखम है। अच्छा, तो 10 साल में मोदी ने कुछ किया है? किया तो है। क्या किया है? जो राशन फासन किया और जो कुछ, बहुत 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 क्या बताओ। विकास हो रहा है? विकास तो ही रहो। तो गरीबों का साथ है नहीं है? है तो है। हाँ, तो अखिलेश यादव तो खुद आए मैदान में इस बार। अब आए हैं तो फिर बेफनो बने वो कुछ। हाँ, अब जो तो जी के लिखो भाई भाग के गए। हाँ, जिसके भाग्य में लिखा है। हाँ बस। लेकिन जनता किसे देखना चाहती है? जनता तो भाई देखो बता ना। गरीब जनता किसके साथ है? गरीब जनता जावकर तो उधर है। हाँ, हाँ। किधर? मोदी का है। मोदी? हाँ। ऐसा क्यों हुआ? हाँ। क्यों देखो, 5 साल है राशन फ्री खाया जी। आई समझ, जिसको नमक खाओ उसको आराम तो कर भी है नहीं। हाँ, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी और जो योगी की जो सरकार है वो अडानी अम्बानी की है, यानी कि अमीरों की है, रईसों की सरकार है। ऐसा नहीं है, मतलब जो चीज़ आई मिली है भाई। मिली है? हाँ, जो चीज़ आई है, मतलब जितना पैसा मोदी ने भेजा वो आपको मिला? मिला पूरा। हाँ, कोई कटौती नहीं हुई? नहीं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा छंगे खान जी। खान साहब। हाँ, क्या माहौल लग रहा है? बेलग्राम मैदान में है, बेलग्राम जा रहे हैं, बहुत डर है जी। हाँ, बहुत डर है। वोट डालने जा रहे हैं?
किसे जिताएंगे, अखिलेश यादव या सुब्रत पाठक? अब देखो का है, जो ठाकुर डरवाए था डरे ठाकुर है मारे यहाँ ठाकुर। हाँ भाई आप डरे, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं मुझे लग रहा है। क्या नाम है आपका? कई नाम दिखा करिए तुम। किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? सब नहीं देख रहे। अरे सरकार जो हुई जाए तो। मोदी ने कुछ किया है? कहा किया मोदी ने? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, गरीब दुनिया को कुछ नहीं मिलता। पैसा वाले को मिलता, गरीब को कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिल रहा है गरीबों को? कुछ नहीं मिल रहा। सिलेंडर सिलेंडर कौन चला रहा है? गरीब नहीं चला रहा, किसान सम्मान 2000 रुपया कौन ले रहा है? वो नहीं ले रहा है क्या? किसान को नहीं मिल रहा है? अंबानी अंडानी को मिल रहा है क्या? नहीं, अगर मोदी कुछ किया ही नहीं है। ये सड़कें बनी है, एक्सप्रेस 6 लाइन बन गया है ये अलीगढ़ के लिए, पहले बना था अखिलेश के उसमें। हमारा गाँव हरदोई जिला देखो चल के, अखिलेश यहाँ के वो थे मुख्यमंत्री, क्या किया? कुछ भी नहीं किया था। लाइट थी, अब 10 साल से लाइट चला रहे हैं, कौन हर गांव में लाइट पहुंची? मोदी ने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन वो तो डिंपल की हार का बदला लेने आए ना इस बार। तो डिंपल भी हार गई, अखिलेश भी हारेंगे। हारेंगे बिल्कुल। ये कन्नौज का युवा ऐसे क्यों बोल रहा है? भैया जो काम करेगा उसी को वोट देंगे हम तो। आपका भरोसा अखिलेश पर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। किस पर है फिर? हमें तो कमल पे भरोसा है। कब से भरोसा हो गया? 10 साल से हो गया। कैसे? कैसे काम देखने, ऐसा थोड़ा ना है। वो तो एक ही जातवाद पे चले जाते हैं। हम भी क्षत्रिय हैं। हमारे में आरक्षण लग जाता था, सारी यादों की भर्ती क्यों निकल गई थी भाई? जातवाद में किया हम, बीजेपी सरकार जातवाद तो देखती नहीं है, नहीं करती है। बिल्कुल नहीं करती है, बताओ आप ही बता दो। तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो, तो अखिलेश हिंदू मुसलमान, वो तो कहने की बात है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, गैस सिलेंडर मिला केवल हिंदू को मिला, मुसलमान को नहीं मिला। 2000 रुपये मिल रहे किसानों का, मुसलमान को नहीं मिल रहे हैं क्या? रोड बनी है कि मुसलमान नहीं जाएगा, हिंदू जाएगा वहाँ पे? तो नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। और जो योगी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने यहाँ की इत्र में बदबू घोला है, तो ऐसा लगता है आपको? तो वो तो जाने राजनीतिक बयान लगता है। और क्या भैया, राजनीति में यही है, वो उनकी कमी निकालेंगे, वो उनकी कमी निकालेंगे। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर भाजपा सरकार आ गई तो ये आखिरी चुनाव हो जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी 10 साल से है तो चुनाव नहीं हो रहे हैं क्या? तब भी तो चुनाव हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं युवाओं को न तो रोजगार मिला और महंगाई से परेशान है जनता। क्यों नहीं मिला युवाओं को? क्या नहीं मिला, सब कुछ तो मिल ही रहा है। क्यों नहीं? लिए मुद्दा क्या है? हमारे लिए मुद्दा क्या है? हमें जो घर घर नौकरी मिली है, घर घर नौकरी, हाँ भाई के बताने के अनुसार हर घर में गरीबी मिट गई, भारत की जितनी गरीबी थी सब मिट गई इस गवर्नमेंट में। भाई साहब नाम ना पूछे न, क्या फायदा है? नहीं 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 नहीं, अपने आप को बचा के रखो, ये राजनीति दांव पेच है और इससे दूर रहो, वही अच्छा है। गवर्नमेंट किसी की भी बने, जनता लूटती है और जनता की छाती से खून निचोड़ा जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई दल हो, अपने से? अपने हाथ अपनी मेहनत पर सिर्फ कामयाबी रखो, कोई किसी खाने नहीं दे। तय कैसे करेंगे आप, कौन बेहतर है आपके लिए, कैसे तय करेंगे आप? कैसे तय करेंगे? बाकी कोई नहीं बेहतर, आप वोट करेंगे ना? वोट नहीं, आप तय कैसे करेंगे? सवाल इस बात का है कि युवा तय कैसे करेगा, किस आधार पर तय करेगा? युवा को क्या है, कोई भी बन जाए तो युवा को तो वैसे भी नहीं कुछ होना है, युवा तो जो अपनी दम पे ही करेगा वही होना है। भाई अखिलेश आएंगे वो भी ना नौकरी देने के हमें, मोदी आएंगे वो भी ना नौकरी हमें देने के। तो फिर क्यों उम्मीद करते हैं कि हम भाजपा को देंगे या फिर? जब कोई बड़ी पार्टी है और उसके आगे है ही नहीं, कांग्रेस तो बस की नहीं है उसके कि जो पार्टी चला सके। तो इस बार गठबंधन से प्रधानमंत्री बनाने का दावा कर, या 36 आदमी हो जाए वो चलाने से बढ़िया एक को दे दो अच्छा है, वो तो नहीं। लेकिन दिल की बात जी, क्या नाम है आपका? अतेंद्र यादव। यादव जी क्या लग रहा है माहौल, अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं? मुश्किल लग रहा है, यहाँ तो क्लियर है। क्या क्लियर है जी? कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से अखिलेश जीतेंगे। अखिलेश जीतेंगे जी। तो पहले डिंपल भाभी को हरा दिया? नहीं, डिंपल वही अखिलेश एक ही बात है ना। डिंपल भाभी को पहले हरा दिया ना यहाँ की जनता? नहीं नहीं, अरे पहले हरा दिया थोड़ी ना, हमेशा एक जैसा थोड़ी ना रहता है। क्या जनता इस बार उस हार का बदला लेगी जी?
अखिलेश यादव बदला लेने आए हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल उनका माहौल लग रहा है। देखिए योगी कह रहा है कि सपा आ गई तो यहाँ गुंडा राज बढ़ जाएगा। मतलब देखिए सरकार थोड़ा इसमें ये है कि जो गरीब जनता है, छोटी जनता है, वो सपोर्ट में रहती है बीजेपी के जी। वो क्योंकि उसकी सुनते हैं लोग, और अगर सपा की सरकार आती है तो लोग वहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा करने लगते हैं, दिक्कत ये हो जाती है। हम हैं तो यादव के ही पक्ष में, यादव हैं, लेकिन एक जो सामाजिक के तौर पर जो बात होती है उसमें ये गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है, थोड़ी मार काट, दुनिया भर का बवाल होने लगता है। और अभी तो थोड़ी सुविधा है, सुरक्षित है छोटा आदमी, छोटा। देखिए यादव जी, आपका यादव होने के नाते जी, जी। अखिलेश यादव पर या लालू यादव पर अपनी कम्युनिटी के नेता पर भरोसा नहीं रहता है? नहीं, भरोसा है। हाँ। भरोसा है, हम ये तो नहीं करते। तो ये कि पहले सरकार भी रही 10 साल। हाँ, सरकार रही और रहेगी। तो कौन सी बेहतर रही, योगी सरकार बेहतर रही कि अखिलेश सरकार बेहतर रही? नहीं, अभी तो हमको योगी की ही सरकार बेहतर लगी है। किस बात से? मतलब बता तो गए हैं कि जो सामाजिक छोटे आदमी हैं उनके लिए कुछ सुरक्षित है, बस और कुछ नहीं। और तो सब ऐसे चल रहा है। हाँ हाँ, और तो सब सही है। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों मिलकर के आए हैं इस बार, और दोनों कहते हैं कि अगर भाजपा आ गई तो संविधान बदल देगी और आप सोचोगे आखिरी चुनाव हो जाएगा ये, फिर इसके बाद चुनाव नहीं होगा, ऐसा लगता है? हाँ लगता है, लगता है। अगर ऐसा हो गया तो फिर नहीं हो पाएगा। तो 10 साल में तो तानाशाही हुई है या क्या हुआ? 10 साल में, 10 साल में भी तो मोदी सरकार थी ना। हाँ, नहीं तानाशाही नहीं हुई है। हाँ। ये नहीं हम कह सकते हैं कि तानाशाही, ये तो देखिए सरकार है, जिसको जो पक्ष में अच्छा लगता है वो करते हैं अपना। ऐसे कौन से काम आपको लगते हैं 10 साल में मोदी सरकार में कि जो लगता है कि वास्तव में अखिलेश यादव को भी कर देने चाहिए थे लेकिन मोदी ने किए हैं? वो सब अपने हिसाब से करते हैं, चाहे अखिलेश हों चाहे मोदी हों, दोनों लोग अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, वो देखो जनता को निचोड़ना है, चाहे अखिलेश आए चाहे आए मोदी। अभी योगी आदित्यनाथ आए थे तो उन्होंने एक बात कही कि ये वही सपा सरकार है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। तो राम भक्त हर कोई होता है, हर हिंदू एक राम भक्त है, हम मान सकते हैं, आप भी शायद राम भक्त होंगे। हाँ। तो आपको लगता है कि वो एक बहुत बड़ी गलती थी मुलायम सिंह यादव की? नहीं, गलती, अब देखिए गलती जिसकी जहां पर होती है मौके से सभी करते हैं, चाहे ये हो चाहे वो हो, सभी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल जो जिसका सही है वो सही है, इसमें क्या कहें हम। हाँ, सब सही है, जो सही भी है। हाँ, सब सही है जी। कन्नौज में सब साइकिल चल रही है। कन्नौज में क्या चल रहा है? कन्नौज में साइकिल ही चल रही भैया, पर्सनल साइकिल ही चल रही कन्नौज में भी। और कन्नौज में अखिलेश ने पिछली बार भी कन्नौज को पर्सनल ही करके देखा था जी। ये है, इसलिए पब्लिक जो है, गरीब आदमी परेशान हो गया, बहुत ज्यादा परेशान है जी। अब इंसाल पब्लिक साइकिल, नौकरी मांगो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, अगर कोई काम कोई सवाल पूछो तो क्या बताएं, कुछ बताने लायक है नहीं समय। योगी कह रहे हैं कि दोबारा से गुंडा राज आ जाएगा। अरे क्या बोलें, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या है? क्योंकि सरकार कोई भी रहे, पुलिस के हाथ में सब होता है, प्रशासन के हाथ में होता है, क्योंकि सख्त या ना सख्त सब उसके हाथ में है। अखिलेश की रहे, मोदी जी की रहे, किसकी भी रहे, योगी जी की रहे, सरकार तो सभी की होती है। अखिलेश यादव सुब्रत पाठक तो को टक्कर दे पाएंगे? अखिलेश यादव जी दे पाएंगे इस समय? डिंपल यादव तो हार के गई थी, वो हार के गई है, लेकिन इस समय नहीं थी, हराई गई थी। हाँ, हराई गई थी, जनता ने नहीं हराया था। अरे सत्ता थी उनकी, इसी हमारे हार गई। इस बार हरा के देखो ना जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय पाल। विजय पाल, जनता ने हराया था या सत्ता ने हराया था डिंपल यादव को? सत्ता ने हराया था। किसने हराया था? सत्ता ने। तो इस बार क्या लग रहा है, बदला ले पाएंगे अखिलेश यादव? ले लेंगे पक्का, 99% लेंगे। क्या उम्मीद करते हैं आप अखिलेश की? उम्मीद करते हैं जी, भरोसा है पक्का बनेगी, बाकी किसी की नहीं, कोई नहीं आएगा यहाँ, अखिलेश जी आएंगे, बस वही रहेंगे, कुछ नहीं, वही रहेंगे। ये है कन्नौज की जनता, कन्नौज की जनता। लेकिन बड़ा सवाल है, अपने अपने राय हैं, अपने अपने मुद्दे, अपने अपने सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव क्या डिंपल यादव की हार का बदला ले पाएंगे? क्योंकि ये वही कन्नौज है जिसके सामने
सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को कड़ी टक्कर देते हुए हराया था, लेकिन अब इस बार अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं और दो युवाओं की जोड़ी सुब्रत पाठक को, योगी को, मोदी को टक्कर देने के लिए निकली है। वक्त बताएगा, परिणाम बताएगा, समय आखिरी है, इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।